मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र यानी सीएम सिटी करनाल का एक एरिया सेक्टर 13 जिसमें पिछले एक वर्ष से विकास कार्यों के नाम पर सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, जिसके चलते मेन सड़क पर बड़े बड़े होल बने हुए हैं और बड़े बड़े गड्ढे भी बने हुए हैं, जिनमें बारिश के दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका की जा रही है। लोगों के घरों के सामने सीवरेज डालने के नाम पर 10 फुट के गहरे गड्ढे हैं, जिससे वहां के निवासियों को गाड़ियों को घरों में खड़ा करना मुश्किल हो रहा है और काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों से परेशान होकर पोश एरिया सेक्टर 13 के लोगों ने निर्माण स्थल पर धरना देकर अपना रोष व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि पिछले एक साल से कार्य चल रहा है, अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। यहाँ पर स्कूली बसों का आवागमन रहता है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने का भय बना रहता है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था, जो पिछले लगभग एक साल से चल ही रहा है, परंतु लोगों की दिक्कतों को पूछने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आता। निर्माण कार्य में देरी होती जा रही है। धरना स्थल पर बैठी महिलाओं ने कहा कि उनको परेशान होकर यह कदम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस समस्या का जल्द से जल्द ही हल किया जाए, ताकि यहां कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। इस मौके पर निगम पार्षद विक्रम कुमार ने धरने पर बैठे हुए लोगों से बात की और सहमति जताते हुए कहा कि कई बार ठेकेदार से बात करने पर भी देरी की जा रही है। उन्होंने देरी के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया। हमारी यही समस्या है कि हमारे डॉक्टर सर की गाड़ी 3 दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है और घर के बाहर आप देख सकते हो एक्टिवा पे डॉक्टर सर जा रहे हैं और एक्टिवा पे ही आ रहे हैं और आप देख सकते हो कि ये खड्डा कितने दिनों से हुआ है और गाड़ी रैंप पे खड़ी हुई है। कितने दिनों से हुआ? ये 3-4 दिन से ये खड्डा बंद नहीं करने आ रहा है। जब भी पूछते हैं तो वो कहते हैं 2-4 दिन लगेंगे, 2-4 दिन लगने। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। हम सेक्टर 13 के रेजिडेंट्स हैं और पिछले सितंबर 2018 से यहाँ पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। जगह जगह गड्ढे और पाइपलाइन ही दिखेंगे, सिर्फ मेन रोड है। उसकी वजह से यहाँ इतना धूल मिट्टी है कि लोगों को एलर्जी हो गई है। घरों में इतनी मिट्टी आती है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते और अब बारिश होने की वजह से गड्ढों में पानी भरना शुरू हो गया है। कुछ नहीं पता किस समय कोई बड़ा हादसा हो जाए, अदरवाइज छोटे मोटे हादसे रोज होते रहते हैं। कितने दिन से है ये काम चल रहा है? ये सितंबर 2018 से शुरू हुआ था। एमसी के पास गए आप? हर जगह हमने करके देख लिया, हार के मजबूर होके आज हमें धरने पे बैठना पड़ा है। सब अपने काम काज छोड़ के आज धरने पे बैठे हैं। इवन के हमने अभी नाश्ता नहीं किया, सुबह के सब भूखे बैठे हुए हैं। हाँ जी मैडम, किस लिए बैठे? देखिए यहाँ कोई इंतजार हो रहा है कि बड़ा हादसा और तभी प्रशासन कार्य कर। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बैठे हैं, आपसे मिले हैं, बड़े दिनों से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे आप? काम विकास कार्य चल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, पर ये ज्यादा परेशानी इसलिए होगी कि अमृत के तहत ये काम चल रहा है। ये गीता मंदिर से लेके मुगल कनाल तक बड़ी पाइपलाइन बिछ रही है, ताकि जो पानी 3-3, 4-4 फुट खड़ा होता था उससे निजात पाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री और OSD साहब के संज्ञान में मामला लाया गया था, तो ये अमृत के तहत सेंक्शन हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार और वो इतने पब्लिक की ये आपके वार्ड के हैं निवासी, तो ये अपने 13 सेक्टर वार्ड के अपने वार्ड के हैं और इसके लिए मैं कई बार प्रशासन को आगाह कर चुका हूँ कि ये बहुत देर हो चुकी है। कभी कोई कार गिर जाती है, कभी कुछ गिर जाती है और ये पिछले अक्टूबर से काम चालू है और जो काम 2 या 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था, आज वो उसको 8-9 महीने हो गए। तो किसकी कमी मानते हैं आप, ये इतने लेट क्यों हो रहा है? ठेकेदार और कमी मान सकते हैं, ठेकेदार जो काम नहीं कर रहा और प्रशासन को उसको थोड़ा खींचना चाहिए, प्रशासन को थोड़ा दबाव देना चाहिए, क्योंकि काम तो ये ठेकेदार ने करना है और करवाना प्रशासन ने। अब किस लेवल पे डिले हुआ, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम टेक्निकल रहती है कि जहाँ जहाँ ये पाइपलाइन बिछ रही है वहाँ पानी की पाइप भी टूटती है और सीवरेज। जो लोग ये धरने पर बैठे हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं? इनका फोन आया था, इनको समझाया और ये अब थोड़ा लगभग सेटिस्फाई है। प्रशासन में मेरी बात हो गई है, प्रशासन से DMC साहब भी अभी आ रहे हैं और उसी टाइम इन्होंने प्रशासन ने JCB लगा दिया, काम चल रहा है और इनको ये कहा कि वार लेवल पे काम करके बरसातों से पहले काम निपटाया जाए, क्योंकि बरसातों में एक्सीडेंट का खतरा और बच्चों के गिरने का खतरा खड्डे बहुत बड़े बड़े हैं। और मैं पब्लिक के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ और जब भी ये बुलाते हैं रात 12-12, 2-2 बजे तक भी मैंने खड्डे भरवाए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार, उनका सीधा सीधा निर्देश है कि पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए और काम विकास कार्य चलते रहना चाहिए। इसको तोड़ दिया है,
नया अभी बना नहीं है। जैसे ही ये पूरा 13 सेक्टर का सबसे लो लाइन एरिया है, पूरा 13 सेक्टर का पानी इकट्ठा होके इस एरिया में आता है, और वो पुराने वाला जो नाला था जिसके थ्रू चला जाता था वो तोड़ दिया है, नया अभी बना ही नहीं है। अब जैसे ही बारिश आएगी तो उसका क्या होगा, उस पानी का क्या होगा, पूरा 13 सेक्टर ऐसे भर जाएगा। कितने दिन से खराब है ये? अभी 4-5 दिन पहले तोड़ दिया। कोई प्रशासन से मांग की थी आपने? मांग की है हमने, कल भी आए हैं, सिर्फ एक जेसीबी आई है, नामचारे को एक पानी थोड़ा सा निकाल के चले गए हैं। अब आज ये धरने पे बैठे हैं तो अब ये जेसीबी आई है। ये कौन सी जगह है? 13 सेक्टर। आपका नाम? वंदना।